आलमी माशी बहरान, ग्लोबल इकॉनमी, कितनी टर्मिनोलॉजीज आपने ईजाद कर ली, कितनी किताबें लिख डाली, उसके बावजूद अमेरिका जो इस वक्त सुपर पावर है, 47 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज मुल्क है, जो लोगों को कर्जे देता है वो खुद मकरूज है, जो खुद मोहताज हो लोगों को क्या देगा, आप खुद बताएं, जो खुद मोहताज है वो लोगों को क्या देगा। बाकरु सदर इतने बड़े आलिम मुज्तहिद की किताब इक्तसादुना यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। अभी पिछले दिनों एक आलिम दिन से बात हो रही थी, हमने कहा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर जो है इंसान के दिमाग में मौजूद है और इसके लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, तो हमने कहा ज़्यादा तफसील नहीं बताएंगे क्योंकि आलिम दीन है, उनको नहीं मालूम होगा, इनका दीन से ताल्लुक़ है, मेडिकल की शायद इंफॉर्मेशन ना हो, तो उन्होंने फ़ौरन कहा पेवलॉव्स की बात कर रहे हैं और हम मुंह खोल के हक्का बक्का उनको देखते रह गए। हमने कहा आपने ये नाम कहाँ पढ़ा पेवलॉव का, उन्होंने कहा बस पढ़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि ये बाकरु सदर ने अपनी किताब में पेवलॉव का तजर्बा लिखा है। अब आप देखिए जो बातें मेडिकल की बुक्स में हैं, पेवलॉव मेडिकल फिजियोलॉजी जिस किताब में आई, मुझे पता नहीं शायद इक्तसादुना ही में है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, मगर बाकरु सदर ने अपनी किताब में किया है। अभी पिछले दिनों हम नमाज पे एक नमाज शब पे लेक्चर दे रहे थे, तो आप ही की तरह का मजमा था यहाँ का ग्रुप, तो उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बता रहे थे और शर्मिंदा भी हो रहे थे कि ये लोग पता नहीं समझेंगे कि नहीं, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व। जब घर जाके तफसीर नमूना खोली तो सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व की पूरी डिटेल मौजूद थी। अब देखिए हमारी तफासीर में, हमारी किताबों में मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, इकोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मौजूद है, आप खोल के तो देखिए कम अज़ कम। इसी तरह मैथमेटिशियन अलजबरा, आपने नाम सुना होगा, अलजबरा कहाँ से आया है, लफ्ज़ अलजबरा अरबी लफ्ज़ है, ज़ीरो किसने ईजाद किया, अरबों ने ईजाद किया। आप जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, असल में ये अरब गिनती है और अकॉर्डिंग टू एंगल्स उनको इन्वेंट किया गया है। एक में एक एंगल होता है, दो में दो एंगल होते हैं, तीन में तीन एंगल, चार में चार एंगल, पाँच में पाँच एंगल, आप बना के देख लिए पाँच पाँच एंगल होंगे, छः में छः एंगल्स होंगे, सात में सेवन एंगल्स होंगे, आठ में आठ, नौ में नौ, उन एंगल्स की एतबार से उनको दिया गया है 1 2 3 4। आज वो गिनती अमरीकियों ने हायर तो नहीं कर ली, हाईजैक कर ली है, जिस तरह बरतानिया के लोग आए थे ना यहाँ पर कोहिनूर हीरा लेके चले और अभी तक नहीं दिया, कराची वाले तो वैसे ही बेचारे पाकिस्तान वाले बदनाम में, भत्ताखोरी में, करप्शन में, तो असल भत्ताखोर अक्सर असल कब्जा माफिया तो इंग्लैंड और अमेरिका हैं। इंग्लैंड ने बनफ्स नफीस जाके कब्ज़ा किया मुल्कों पर, अमेरिका रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कब्ज़ा कर रहा है। मैथमेटिशियन तो हमारे यहाँ गुजरे, बुनियाद हम ही ने डाली थी जिस पर इमारत को खड़ी करें, और आपको मालूम है बिल्डिंग के लिए इमारत इम्पोर्टेंट नहीं है, बुनियाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो शुरू करता है। बायोलॉजी